आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी के काफिले में बड़ी चूक, डिवाइडर से होते हुए बीच में आ घुसी फॉर्च्यूनर कार, अधिकारियों के फूले हाथ पैर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले में घुसी कार को देखकर पुलिस के अधिकारी हैरान रह गए। तुरंत ही फॉर्च्यूनर कार को साइड में लेकर अंदर बैठे लोगों से पूछताछ की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में मंगलवार को बड़ी चूक देखने को मिली। यूपी के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली के ठीक सामने से सीएम योगी आदित्यनाथ काफिला निकल रहा था, तभी डिवाइडर की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ घुसी। फॉर्च्यूनर गाड़ी में पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। सीएम योगी के काफिले में अनजान गाड़ी को देखकर पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में गाड़ी रुकवाई। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की जांच पड़ताल शुरू की। गाड़ी का नंबर प्लेट टूटी होने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान भी कर दिया। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों से पूछताछ की। इसमें पता चला कि भाजपा नेता को जनसभा स्थल पर उतार कर ये गाड़ी पार्किंग के लिए जा रही थी, तभी सीएम का काफिला आ गया और ये गाड़ी उसमें घुस गई। वहीं इस घटना के बाद सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारी अलर्ट हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने सीएम योगी के काफिले में मौजूद गाड़ियों की सही से मुआयना किया। आपको बता दें कि सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने बाराबंकी के विजय पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात करते हुए कहा था कि आर्थिक उन्नति व प्रगति का मानक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से किया जाना चाहिए।